गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है वो है 2:13 और अभी मैं बहुत लेट उठा हूँ सो के। कल रात में बहुत जो है लेट सोया था। अपना जो है नहा लेते हैं फिर चलते हैं बाहर। और तो गाइस मैं आ चुका हूँ नहा के, सो चलिए अब कुछ खाने के लिए बनाते हैं और फिर चलते हैं बाहर। मैंने सब्जी जो है बनाने के लिए रख दी है और ये 5 या 10 मिनट में जो है बन के रेडी हो जाएगी। हमारी सब्जी जो है वो बन चुकी है और इसको करते हैं ऑफ। और ये देखिए सब्जी जो है अच्छी तरीके से बन गई है। गाइस अभी हम जा रहे हैं इंडिया स्टोर जो कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है और वहाँ पे जो है सारा इंडिया का सामान मिलता है। तो आज का मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं पूरा स्काई जो है बिल्कुल ब्लू है और थोड़े थोड़े बादल हैं और यहाँ का भी टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री जो कि ठीक ठाक है, ना ज़्यादा ठंड है और ना ही गर्मी है। स्टोर जो है काफ़ी बड़ा था, बहुत मज़ा आया घूम के। इंडिया की सब्जियां से लेकर मसाले और इवन जो मेडिकल्स होती हैं वो तक की अवेलेबल थी और काफ़ी स्टोर बड़ा था और काफ़ी सही भी था, बाकी सब कुछ सही था। चलिए अब चलते हैं घर और कुछ खाते हैं, भूख लगी है, फिर आपको दिखाते हैं आगे का सफ़र। सो गाइस मैं आ चुका हूँ घर और अभी मैं फिर से रेडी होऊंगा और मेरे को जाना है फोकलिफ्ट सेंटर और वहाँ पर हम सीखेंगे फोकलिफ्ट। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपनी काउंटर बैलेंस फोकलिफ्ट पे। सो चलिए सीट बेल्ट बांध लेते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं और चलाते हैं। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर और जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं पहले 2 दिन और गया था और ये मेरा 3rd दिन था। तो आज मैंने उनकी पूरी जो फोकलिफ्ट की ट्रेनिंग थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है और मुझे जो है लाइसेंस भी मिल चुका है, आप देख सकते हैं। सो अभी मैं सर्टिफाइड हो चुका हूँ और अभी मैं कहीं भी जो है फोकलिफ्ट चला सकता हूँ, वेयर हाउस में या कहीं भी। अभी मैं हूँ किचन में। सो अभी जो टाइम हो रहा है मैं आपको दिखा दूँ कितना हो रहा है। अभी जो है 9:20 हो रहे हैं रात के। सो अभी खाने का टाइम हो गया है, इसलिए कुछ खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं हम क्या क्या बनाने वाले हैं। इसमें जो है गाइस वो है हमारी दाल जो कि बन के रेडी हो चुकी है, अब सिर्फ हमें जो है खाना बनाना है और इसमें रखना है।